हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैम वर्ड। मैं दीपेन कुमार आज आपके लिए लाया हूँ एक न्यूज़ जो कि रिलेटेड है CBSE एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड। जो भी बच्चे अभी जून में एग्ज़ाम देने के लिए वेट कर रहे हैं, ये न्यूज़ उनके लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे, और प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि वो न्यूज़ है क्या। कि तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है CBSE क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में इंटरनल असेसमेंट। हाँ जी, सही सुना। अभी तक 10th के लिए था, कि 10th के लिए आपने देखा था कि इंटरनल असेसमेंट का बात चल रहा था, और बोर्ड ने बोला भी है कि अब 10th का जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, और 12th का लिए एक महीने पोस्टपोन करने की बात करी थी, यानी कि जून के लिए बात करी। उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज़ है, जो कि न्यूज़ दी गई है जागरण की पोस्ट है। तो ये थोड़ा सा ऑफिशियल मानता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा क्या ऑफिशियल होता ही है। आगे बात करते हैं कि इससे रिलेटेड और है क्या, देखना क्या है हमें इस न्यूज से रिलेटेड क्या है। तो देखते हैं न्यूज क्या कहती है। कहती है कि CBSE 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की स्नातक परीक्षा स्थगित किए जाने की खबरों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने की स्थिति में छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के जरिए जारी कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एक अभी नीट की जो डेट है, नीट की डेट पोस्टपोन हुई है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज़ रिवेल हुई है कि जो CBSE 12th बोर्ड की परीक्षा है वो अगर रद्द होती है तो उनका रिजल्ट जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट के जरिए बनाया जा सकता है। CBSE ने इसके लिए UGC से सलाह ली है। CBSE और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ परीक्षा नहीं लिए जाने की हालत में छात्रों को सबसे बेहतर तरीके से उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बोर्ड अपनी परीक्षा लेने वाली टेस्टिंग एजेंसियों से भी इस बारे में परामर्श ले रहे हैं। ठीक है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में सभी के सभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें कायास लगाए जा रहे हैं कि CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 को स्थगित किए जाने के बाद अब आगे रद्द किया जा सकता है। इस बारे में एक CBSE अधिकारी ने कहा कि बोर्ड तमाम संभावनाओं पर विचार कर रही है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो पाएंगी वो सब पे डिस्कशन कर रहे हैं, छात्रों के हित में जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अगुवाई में 1 जून को शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सरकार के बीच परिस्थितियों की समीक्षा के बाद अहम फैसला लिया जाएगा। ध्यान दें यहाँ पर, 1 जून को शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और सरकार आपस में डिस्कस करेंगे और तब ये डिसाइड करेंगे कि रद्द करके हमें किस तरह से रिजल्ट को ओपन करना है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सियोरिटी बन रही है वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की बन रही है। तो यहाँ पर एक आप लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी की पॉजिटिव न्यूज़ है कि यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके थे, लेकिन अब उनको कैंसिल करने की बात चल रही है, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मिलेगा। CBSE अधिकारी ने एक वेब पोर्टल पर बातचीत में बताया कि CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा जुलाई तक आयोजित करने में असमर्थ रही, तो इसे अगस्त या इसके आगे टालना छात्रों के हित में नहीं होगा, क्योंकि जो हालात हैं उनके हिसाब से रिजल्ट आने में देरी हो जाएगी, तब छात्रों को दूसरे संस्थानों में हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट से भी वंचित रह जाएंगे। मतलब अभी ये भी चल रहा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसा हुआ तो एग्ज़ाम जुलाई में होंगे, और अगर जुलाई में भी नहीं होंगे तो फिर वो अगस्त में होंगे, लेकिन अगस्त तक एग्ज़ाम को लेके जाना मतलब बहुत सारी चीज़ों का सामना करना, जैसे कि आगे की स्टडी के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि हम उनको इंटरनली में ही आगे इंटरनली असेसमेंट के हिसाब से ही इन पर हम आगे डिस्कस कर लें। इसी के साथ सुनने के बताया गया कि जून से जुलाई तक हालात सुधारने के साथ ही परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी भी हो चुकी है। परीक्षा प्रक्रिया में 1 महीने से अधिक का समय लगता है, इस लिहाज से कॉपियों का मूल्यांकन को लेकर परिणाम तैयार करने और उसकी घोषणा करने सब कुछ अगस्त के पहले पूरा कर लेना होगा, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। इधर CBSE स्कूल के छात्रों और उनके अभिभावकों का कहना है कि देश में पहली बार ऐसे हालात पैदा हुए हैं, अब केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE बोर्ड
ही छात्रों की बेहतरी की राह दिखाएगा। हम कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी के थमने और जनजीवन में जल्द ही सुधार की उम्मीद करते हैं। परिस्थितियों से ऐसा लग रहा है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की नौबत न आ जाए। हालांकि अभी इस पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो भी कहा जाएगा वो एक जून तक ही कहा जा सकता है, उसके पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि बिल्कुल कैंसिल हो ही गए हैं, अभी चल रहा है और 95% तो श्योर हूँ कि ये कैंसिल हो जाएंगे। सीबीएसई के अधिकारी ने कहा कि यदि कोविड की स्थिति और बिगड़ने पर सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर देगी और छात्रों का परिणाम जारी करने के लिए नई मूल्यांकन नीति घोषित करेगी। हालांकि 1 जून से पहले ऐसा कहना जल्दबाजी है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 जून से पहले कहना ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 रद्द होने की खबर लगातार सामने आने पर अधिकारी ने कहा कि हाई पावर कमेटी इस पर अहम निर्णय लेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश भर में कोरोना वायरस के चलते 10वीं परीक्षा को रद्द और 12वीं परीक्षा को स्थगित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अब 12वीं की इतनी ज़्यादा होने लगी है कि 12वीं की परीक्षा कैंसिल करें, 12वीं की परीक्षा कैंसिल करें, बहुत ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, हर एक दूसरा तीसरा लोग पिटीशन लिए बैठा है। तो यहाँ पर खबरें हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसियाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा जल्द से जल्द कराने पर गंभीर मंथन में जुटी है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा जून के बाद जुलाई के आखिर तक ली जा सकती है। इस बारे में आधिकारिक जानकारी देते हुए सीबीएसई की ओर से कहा गया कि 1 जून को सरकार और शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, इसमें 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ये रही जो न्यूज़ मेरे पास थी। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यही रिजल्ट सामने आ रहा है कि जो आपकी परीक्षा है वो कैंसिल होने की पक्ष में है, यानी जहाँ तक चांसेस हैं वो एग्ज़ाम कैंसिल होने के हैं। और अगर एग्ज़ाम आपके कैंसिल हो गए, ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो हाई स्कूल यानी 10th एग्ज़ाम की तरह है, इंटरनल मार्किंग ही रहेगी उसमें। ठीक है।